प्रश्न नंबर 5 है, उचित पदहि वाक्य निर्माणम कुरुतो। उचित पदहि, यदि ये पदहि जो रूप बना है, जैसे बालक का बालक ही बनता है, ये देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन में बालक का, जैसे बालक ही बनता है, तृतीया का चिन्ह, तृतीया जो है तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है, उसका चिन्ह से होता है अर्थात के द्वारा, तो बालक ही अर्थात बालकों से, और यहाँ पे उचित पदहि उचित पदों से वाक्य निर्माणम कुरुतो, वाक्य निर्माण करो। तो उचित पद अर्थात जो पद बॉक्स में दिए हैं, मंजूषा में दिए गए हैं, इन बॉक्स को जो पद हैं दिए गए हैं इनको इसमें भरना है। जैसे मम, मम का अर्थ होता है मेरा, तव तुम्हारा, आवयो मतलब हम दोनों का, और उसके बाद में युवयो तुम दोनों का, क्योंकि ये सारे षष्ठी विभक्ति के रूप हैं, षष्ठी विभक्ति के एकवचन के ये दोनों हैं, ये अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन है, इसमद शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, सारे कहने मतलब ये षष्ठी व्यक्ति के ही रूप हैं, अस्मद और युष्मद के हैं। तो मम का अर्थ होता है मेरा, तव तुम्हारा, आवयो हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा, ये अर्थ हैं इनके। तो यहाँ पर देखिए क नंबर दिया है, एतत गृहम, एतत गृहम, तो यहाँ पे उचित पद भरना है। जैसे एतत् अर्थ देखिए, गृहम जो है नपुंसक लिंग शब्द है, इसीलिए उसके लिए सर्वनाम प्रयोग किया गया है, एतत् शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए एतत् नपुंसक लिंग में एतत् का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में यही एसा का प्रयोग करते हैं, और पुंलिंग के लिए एसह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एतत् गृहम, तो एतत्, अब यहाँ पे संबंध बताना है, तो यहाँ पे मम या फिर तब कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो चूंकि गृहम एतत गृहम, तो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग हैं एतत मम गृहम, यह मेरा घर यानी मम गृहम। इसके बाद लिखा है मैत्री दृढ़, मैत्री दृढ़ अर्थात मैत्री जो मित्रता है वो दृढ़ है किसकी, जैसे आवयो मैत्री दृढ़, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है, या युवयो तुम दोनों की मित्रता दृढ़ है। तो यहाँ पर आवयो युवयो में से कोई सा भी भर सकते हैं आप लोग, लेकिन हम दोनों जो आवयो है हम दोनों की मित्रता दृढ़ है, तो ये ज़्यादा उचित पद है, तो इसके लिए तो आवयो, आवयो का अर्थ हो गया हम दोनों की, ये द्विवचन का रूप है, अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है, आवयो मैत्री दृढ़, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है। फिर लिखा है एषः विद्यालयः, एषः, और देखिए विद्यालय ये पुंलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर देखिए एषः ये पुंलिंग के लिए आता है, तो एषः का प्रयोग किया गया है, तो एषः विद्यालय, तो यहाँ पे संबंध बताना है, तो एषः तव विद्यालय, तुम्हारा विद्यालय है, तो यहाँ पे एषः तव विद्यालय, ये तुम्हारा विद्यालय है। तो इसके बाद में लिया है एषा अध्यापिका, ऐसा अध्यापिका, ऐसा देखिए स्त्रीलिंग शब्द, अध्यापिका चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए यहाँ पे ऐसा ये सर्वनाम प्रयोग किया गया है, ऐसा अध्यापिका, यहाँ पर ऐसा अध्यापिका यह अध्यापिका है, किसकी अध्यापिका है, आवयो तो चूंकि भर चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, युवयो अध्यापिका, युवयो, युवयो, ये इसमत शब्द का द्वितीय षष्ठी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन का रूप है, युवयो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। तो इसके बाद भारतम, भारतम देशः, अब देखिए इसके लिए उचित शब्द क्या होगा, यहाँ पे चूंकि केवल अस्माकम और युष्माकम बचे हैं, तो भारतम देशः, भारत देश, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा और युष्माकम का अर्थ होता है तुम्हारा, तो भारत देश चूंकि हम सबका है इसलिए यहाँ पर अस्माकम शब्द जो है वो सुइटेबल ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अस्माकम भारत देशः, अस्मा भारत दे भारतम अस्माकम देशः अर्थात हमारा देश है। और इसके बाद में दिया एतानि पुस्तकानि, ये पुस्तकें हैं, किसकी पुस्तकें हैं, युष्माकम, इसके लिए युष्माकम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, युष्माकम पुस्तकानि के लिए, तो हम अस्माकम भी प्रयोग कर सकते हैं, युष्माकम भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भारत देशः चूंकि हम सबका है इसलिए अस्माकम इसके लिए उचित पद होगा, और पुस्तकानि के लिए अस्माकम भी भर सकते थे, युष्माकम भी भर सकते थे, चूंकि यहाँ पे युष्माकम बचा हुआ है शेष पद है, तो इसलिए युष्माकम इसमें भर दिया जाएगा, एतानि युष्माकम पुस्तकानि, ये हमारी पुस्तक तुम सबकी पुस्तकें हैं। तो याद कि पुस्तकानि बहुवचन है,
नपुंसकलिंग। और एतानी अर्थात देखिए एतानी शब्द है, एतानी बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पे, एतानी पुस्तकानी। प्रश्न नंबर छः है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यहाँ पे देखिए एक वचन पदस्य, अब ये देखिए एक वचन पदस्य का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि षष्ठी का रूप है जैसे बालकस्य, षष्ठी में संबंध कारक होता है उसका चिन्ह काकी के होता है, तो यहाँ पे एक वचन पदस्य एक वचन पद का, और फिर इसका लिखा है बहुवचन पदम अर्थात बहुवचन पद। यहाँ पे देखिए प्रथमा व्यक्ति यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति है, तो एक वचन पद का बहुवचन पद और बहुवचन पदस्य, फिर देखिए यहाँ पे बहुवचन पदस्य दिया है, तो बहुवचन पद का एक वचन पदम एक वचन पद च लिखत, अर्थात ये हो गया है कि एक वचन पद का बहुवचन पद और बहुवचन पद का एक वचन पद लिखो। जो एक वचन में है उनका बहुवचन पद लिखना है और जो बहुवचन में है उनका एक वचन पद लिखना है। अब जैसे ये सह सह देखिए यहाँ पे देखिए पुंलिंग शब्द का सह वह के लिए लगता है सह, ये एक वचन पद है और इसके लिए बहुवचन पद जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ते, तो ते का प्रयोग होगा, तो सह का बहुवचन पद क्या होगा ते। इसी तरीके से तह तह देखिए स्त्रीलिंग में ताह ये आता है देखिए तह, और तह का चूंकि ये बहुवचन पद है इसलिए इसका एक वचन पद लिखना है, बहुवचन पद से एक वचन पद हम लिखा था, तो यहाँ पे सा, तो तह का क्या हो जाएगा सा। इसी प्रकार देखिए एताह एताह देखिए स्त्रीलिंग में एतत् शब्द का एताह बनता है, ये स्त्रीलिंग में एताह बहुवचन पद है और इसका हमें एक वचन पद लिखना है अर्थात ऐसा। इसके बाद देखिए त्वम, ये चूंकि त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का है, ये सारे देखिए स्त्रीलिंग के, ये नपुंसकलिंग और ये पुंलिंग ये सभी प्रथमा ये प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं। अब ये जो त्वम है वो मध्यम पुरुष का सर्वनाम है और मध्यम पुरुष के सर्वनाम में ये त्वम जो है वो एक वचन में आता है और एक वचन का बहुवचन पद जो होगा वो यूयम होगा, त्वम का बहुवचन पद यूयम। इसी प्रकार ये तब, तब जो है इसुमद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो तब यानी षष्ठी विभक्ति में रूप किस तरीके चलते हैं इसुमद के, तब युवयोः युष्माकम्, तब युवयोः युष्माकम्। तो यहाँ पे देखिए तब का जो, तब चूंकि एक वचन का है तो बहुवचन का जो पद होगा वो होगा युष्माकम्, तब का युष्माकम्। इसमें एतानि, एतानि देखिए नपुंसक लिंग में एतत् शब्द का एतानि बनता है और एतानि ये बहुवचन पद है और इसका एक वचन पद जो होगा वो एतत् होगा। अब देखिए एषः, एषः जो है पुंलिंग शब्द है, देखिए यहाँ पे एषः पुंलिंग का एतत् शब्द का एषः बनता है पुंलिंग में एक वचन में और इसका बहुवचन जो होगा वो होगा एते। एते तो इस तरीके से बनेंगे, देखिए जो सह यहाँ पे सह है, सह पुंलिंग का है तद शब्द का और एषः जो है वो पुंलिंग का एतत् शब्द का है, तो यहाँ पे देखिए सह का ते है और इसी में ऐसा का हो जाएगा एते। देखिए यहाँ पे सह के साथ में ए लग गया है तो ऐसा हो गया, तो ते के साथ ए लगा देंगे तो एते हो गया। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में ताह, ताह का सा बना है, ताह के साथ में देखिए यहाँ पर एता आया है, ए लग गया है तो यह सा के साथ में ऐसा लग गया, बस अंतर इतना है ये दंत सा है, यहाँ पर मूर्धन्य सा का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर त्वम यूयम और तव युष्माकम इस